नमस्ते, मैं हूं आशुतोष। बात करते हैं बॉलिंग की। स्विंग के विज्ञान के बारे में जानने से पहले क्या आप भी स्विंग खुद करना चाहेंगे? हम इतने माहिर तो हैं नहीं कि असली की क्रिकेट बॉल से स्विंग कर पाएं, इसलिए हमने यहां CCL में एक खिलौना मॉडल बनाया है जिससे आप सभी स्विंग कर सकते हैं। और ये इतना सरल मॉडल है कि भारत का हर बच्चा और युवा स्विंग बॉलिंग कर सकता है, और क्या पता आप में से ही कोई आगे चलकर बहुत बड़ा स्विंग बॉलर बने या एरोडायनेमिक्स का एक्सपर्ट। तो इसके लिए आप एक स्माइली की फोम बॉल लीजिए और एक हल्की सी सुतली लीजिए, और फिर आप इसकी जो सेंटर लाइन है उससे लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस सुतली को फेवी बॉन्ड से चिपका लीजिए, और इसे जब आप चिपका लेंगे तो यह कुछ ऐसी बन जाएगी। और जब ये इस तरीके की बन जाए और ये सुतली अच्छे से सूख जाए तो इसे आप सीधा पकड़ के जिस दिशा में आपको स्विंग करनी है उस तरफ सुतली को रख के तेज फेंके। अगर आपको बाईं तरफ करनी है तो बाईं तरफ, और दाईं तरफ करनी है तो सुतली को दाईं तरफ रखें। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारी कुछ स्विंग बॉल स्लो मोशन में। तो आप जानते हैं कि इस स्विंग बॉलिंग का विज्ञान क्या है। दरअसल जब हम किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसके बहुत नज़दीक हवा की एक पतली परत भी उसके साथ आगे को बढ़ती है। यह कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे पानी हमारे हाथ से चिपकता है जब हम हाथ पानी में आगे करते हैं। उसी तरह जब बॉल आगे जाती है तो इसके नज़दीक की हवा इसके साथ चिपकती है और उसके थोड़े बगल की हवा उसके साथ आगे को घसीटी जाती है। तो ये जो पतली सी परत है जहाँ हवा का गाढ़ापन मायने रखता है, इसे बाउंड्री लेयर कहते हैं। और इस बाउंड्री लेयर में हवा का बहाव जैसा है उससे इस वस्तु की गति पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस बाउंड्री लेयर में हवा का बहाव 2 तरीके का हो सकता है। एक तो ऐसा बहाव जो कि बहुत व्यवस्थित है, जिसमें हवा की परतें एक दूसरे के बगल में बिल्कुल सीधे बिना मिले हुए जा रही हैं, और दूसरा बहाव जो कि बहुत अस्त व्यस्त है जहां हवा की परतें एक दूसरे में मिल रही हैं। पहले टाइप के व्यवस्थित बहाव को हम लैमिनार फ्लो कहते हैं और दूसरे टाइप के अस्त व्यस्त बहाव को टर्बुलेंट फ्लो। आपने इसे अपने दैनिक जीवन में आसपास कई बार देखा होगा, जैसे कि जब हम नल खोलते हैं तो जब नल कम खुला होता है तो पानी बहुत ही साफ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। तो ये व्यवस्थित जो बहाव है इसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। और जब आप पानी को तेज कर दें तो पानी झाग जैसा एक दूसरे में मिला हुआ आता है, इसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो की खास बात यह होती है कि जैसे अगर हवा इधर से आ रही है और इस सतह पर हवा ऊपर को जाती है, तो अगर वो फ्लो लैमिनार है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं चिपकेगा और पहले ही निकल जाएगा। लेकिन अगर बॉल की स्पीड तेज है या बॉल थोड़ी खुरदुरी है तो ये बहाव टर्बुलेंट हो जाता है और थोड़ा पीछे तक चिपकता है। तो लैमिनार फ्लो जल्दी हट जाता है और टर्बुलेंट फ्लो दूर तक चिपकता है। और इस कारण से टर्बुलेंट फ्लो का जो हवा का दबाव होता है वो लैमिनार फ्लो से कम होता है। तो अब इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक घुमावदार वस्तु के ऊपर धुआं डाला गया है और हवा दाईं साइड से आ रही है। तो लैमिनार फ्लो कैसे जल्दी अलग हो गया है और बहुत व्यवस्थित दिख रहा है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो काफ़ी पीछे जाके छूटा है और काफ़ी अस्त व्यस्त सा दिख रहा है हमें। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं एक नई क्रिकेट बॉल के ऊपर हवा का बहाव। आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड हवा काफ़ी जल्दी अलग हो गई है और वो काफ़ी व्यवस्थित रूप से सेपरेट हुई है, और ऊपर की साइड सीम से टकराने के बाद हवा टर्बुलेंट हो गई है और वो काफ़ी दूर जाके बॉल से अलग हुई है। और यही क्रिकेट बॉल की सीम का एक बहुत अहम रोल आ जाता है कि जो लैमिनार फ्लो था हवा का, उस वो सीम से टकराने के बाद टर्बुलेंट हो जाता है। और इस स्थिति में ऊपर की साइड टर्बुलेंट फ्लो है और नीचे की साइड लैमिनार फ्लो, तो ऊपर की साइड कम दबाव, नीचे की साइड ज़्यादा दबाव, और हवा का बल बॉल पे ऊपर की ओर लगेगा, तो ये बॉल ऊपर की ओर स्विंग होगी यानी कि सीम की दिशा में। और इसी को कन्वेंशनल स्विंग बोलते हैं, यानी कि ऐसी स्विंग जो सीम की दिशा में ही स्विंग हो रही हो। अब इसी बॉल को अगर हम और तेजी से फेंकना शुरू कर देंगे तो एक और दिलचस्प स्थिति आ जाएगी कि नीचे की साइड तो हमें टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, लेकिन ऊपर की साइड अब हवा सीम पे पहुंचने से पहले ही टर्बुलेंट हो जाएगी
और सीम से टकराने के बाद वो और ज्यादा टर्बुलेंट हो जाती है और पहले छूट जाती है। तो अब स्थिति ठीक उल्टी हो जाती है कि नीचे बिना सीम वाली साइड तो हवा पीछे जाके छूटती है, लेकिन ऊपर सीम वाली साइड पे हवा और जल्दी छूट जाती है। तो अब हवा का दबाव नीचे कम हो जाएगा और ऊपर ज्यादा, और हवा का दबाव नीचे की ओर लगेगा बॉल पर, तो बॉल नीचे की ओर स्विंग करेगी, यानी सीम की उल्टी दिशा में, और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं। तो ये भी एक मिथक है कि रिवर्स स्विंग केवल पुरानी बॉल से हो सकती है। नई बॉल को अगर बहुत स्पीड से फेंका जाए तो नई बॉल से भी रिवर्स स्विंग हो सकती है, रिवर्स स्विंग यानी सीम की उल्टी दिशा में। ज्यादातर आपको दिखेगा कि जो बॉलर्स पुरानी बॉल से स्विंग कराते हैं वो पुरानी बॉल का भी जो चमकीला हिस्सा होता है उसे आगे की तरफ रखते हैं और वो चमकीले साइड से ऊपर की तरफ स्विंग होती है। लेकिन विज्ञान तो ये कहता है कि अगर आप रफ साइड को आगे रखें तो आप और आसानी से रिवर्स स्विंग करा पाएंगे, क्योंकि टर्बुलेंस बनाने में स्पीड और रफ सरफेस काम में आता है। तो अगर सरफेस रफ है तो आप और कम स्पीड पे रिवर्स स्विंग करा पाएंगे बजाय कि जब सरफेस स्मूथ है। तो यहाँ पर को आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या आपकी रिवर्स स्विंग रफ साइड आगे रख के ज़्यादा आसानी से कम स्पीड पे हो पा रही है या स्मूथ साइड आगे रख के। विज्ञान तो कहता है कि रफ साइड आगे रखने से और ज़्यादा आपको आसानी होगी। एक और तरीके की स्विंग होती है जिसे अक्सर रिवर्स स्विंग से कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी पुरानी बॉल के साथ होती है, और इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट स्विंग, जो कि सीधी सीम के साथ की जाती है। कॉन्ट्रास्ट स्विंग तब होती है जब एक साइड तो काफी चिकनी हो लेकिन दूसरी साइड बहुत ज्यादा रफ हो गई हो, यानी दोनों सर्फेसेस के बीच काफी कॉन्ट्रास्ट, काफी फर्क हो। और इस टाइप की स्विंग में सीम का कोई रोल नहीं होता। जो कन्वेंशनल स्विंग थी और जो रिवर्स स्विंग थी, इन दोनों में उभरी हुई सीम का बहुत ज्यादा रोल होता है क्योंकि वो बाउंड्री लेयर का टर्बुलेंस बढ़ाती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट स्विंग ऐसी बॉल से भी हो सकता है जिसकी सीम पूरी पिचकी हुई है या गायब हुई है, और इसको आप साबित कर सकते हैं और इसका एक खिलौना बना सकते हैं। अगर आप एक टेनिस बॉल लें और उसकी एक साइड इलेक्ट्रिकल टेप चिपका दें तो ये साइड थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई और ये साइड में जो इसके बाल हैं इससे काफ़ी रफ हो गई। अब अगर आप इसकी सीम सीधी रख के फेंकें तो यह बॉल भी स्विंग होती है। तो ये थी तीन तरीके की स्विंग: कन्वेंशनल स्विंग जो सीम की दिशा में होती है, रिवर्स स्विंग जो सीम की उल्टी दिशा में होती है और नई और पुरानी बॉल दोनों से हो सकती है, और कॉन्ट्रास्ट स्विंग जो सीधी सीम के साथ होती है और पुरानी बॉल के साथ अक्सर होती है। और तो आप ये दो मॉडल जरूर बनाएं, फोम बॉल का और कॉन्ट्रास्ट स्विंग का, और खूब मजे करें और इसके साथ विज्ञान भी सीखें। उम्मीद है कि आप में से ही कोई आगे चल के एक बहुत महान स्विंग बॉलर बनेगा या एक महान वैज्ञानिक बनेगा।